हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं, लाइक और शेयर करना ना भूलें। स्टफ्ड कैप्सिकम रिंग के लिए हमने 3 शिमला मिर्च को कुछ इस तरीके से काट के रख दिया है। ऊपर से टोपी से काटा था और फिर इस तरीके से अंदर से सारा जो उसका बीज वगैरह होता है वो निकाल के और फिर इसे राउंड राउंड काट लिया था और लास्ट वाला पोर्शन भी छोड़ दिया था क्योंकि वो उसमें ऐसे खालीपन नहीं होता। यहाँ पर मैंने लिया है 1 प्याज, 1 टमाटर, 1.5 टीस्पून के जितना अदरक लहसुन का पेस्ट। इसमें हम डालेंगे 2 टेबलस्पून जितना बेसन। अब बेसन जो है वो कम या ज़्यादा करना पड़ सकता है कि हमारा कितना बैटर बनता है वो देखना पड़ेगा। इन केस अगर हमारा बैटर बना कम तो फिर हम बेसन और डालेंगे, पर अभी हम 2 टेबलस्पून बेसन डाल रहे हैं। इसमें डाल देते हैं कुछ मसाले। मसालों में हम यहाँ पर डाल रहे हैं 1/2 चम्मच नमक, 1/2 पाउडर 1/2 चम्मच, हल्दी 1/4 चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 1/2 चम्मच, जीरा पाउडर 1/2 चम्मच और 1/2 चम्मच अमचूर पाउडर। अब इस सबको ज़रा से पानी के साथ पीस लेंगे। हमें थिक बैटर चाहिए। अगर हमें लगेगा कि ये बैटर जो है थिक है लेकिन पूरा नहीं पड़ेगा इतनी शिमला मिर्च में, हम थोड़ा सा बेसन और डाल के उसी टाइम पे बैटर पीस लेंगे। मैंने आपको शायद बता दिया था ये अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट है 1.5 चम्मच। तो अब इसको पीस लेते हैं और फिर बनाना शुरू करते हैं। बैटर रेडी हो गया। देखिए इसकी कंसिस्टेंसी, ये कितना गाढ़ा है। तो इसी तरीके का हमने रखना है तवे पर। ये डोसा तवा है, बड़ा वाला था मेरे पास। इसके ऊपर मैंने 1 टीस्पून ऑयल फैला दिया था। वो साइज़ में अपने आप चला जाता है क्योंकि नॉनस्टिक तवा है ये। वैसे तो ऐसे भी बन सकता है। अब इसमें मैं इस तरीके से सारी शिमला मिर्च पहले रख दूँगी और उसके बाद इसके अंदर फिल करूँगी ये जो हमने बैटर बना के रखा है। ये बिल्कुल कम सेक पर रखा हुआ है हमने, तो अब हम इसके अंदर देखिए बैटर डालेंगे कुछ इस तरीके से। और इसे ऐसे प्रेस करके पूरा भर देंगे और एक बार ये सारे भर जाते हैं तो ढक के इसको पकाएंगे एक साइड से। ये सभी के सभी भर गए तो अब हम इसे ढक के रख लेंगे और एक साइड पक जाएगी, यानी कि पता चल जाएगा जब ये बेसन थोड़ा सा हो जाएगा तो फिर हम इसको पलट देंगे। देखिए इन्हें पलटने पर नीचे से कुछ इस तरीके से हो गए हैं। कहीं कहीं हीट प्रॉपर पड़ती है और कहीं कम पड़ती है, तो इसीलिए कुछ देखेंगे आप पूरी तरह नहीं हुए और कुछ हो गए। तो ये वाले भी जब नीचे से हो जाएंगे तो हम पोजीशन चेंज कर देंगे, यानी कि जहाँ पर ये पक गए हैं वहाँ पर ये वाले डाल देंगे जो पूरी तरह नहीं पके हैं, और पूरे से बन जाएंगे अच्छे से तो फिर आपको प्लेट आउट करके दिखाएंगे। स्टफ्ड कैप्सिकम रिंग्स रेडी हो गई। इन्हें चाहें तो गर्मा गर्म स्नैक्स की तरह परोसे चाय के साथ, चाहें तो ब्रेकफास्ट में ब्रेड के साथ लीजिए, चाहें तो दाल चावल के साथ साइड डिश खाइए, या फिर रोटी पराठी के साथ सब्ज़ी की तरह भी खा सकते हैं। आपकी इच्छा, आप कैसे खाना चाहें, पर इसको बनाकर ज़रूर देखिएगा। एकदम नई रेसिपी है, आपको बहुत पसंद आने वाली है। और हमें बताइए भी कि आपको कैसी लगी ये टेस्ट में। तो अगर सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर से दबा दीजिए ताकि आपको हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं किसी और एक दिन किसी और एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।